आप सभी को किशोर खाबिया जैन का पुनः एक बार नमस्कार। आज दोपहर में मैंने एक व्हाट्सएप मैसेज पढ़ा, उसने मेरी आंख खोल दी कि उसमें लिखा था पानी को बचाया जा सकता है, बनाया नहीं जा सकता है, ये तो हकीकत है। और उन्होंने ये लिखा था कि हमारे दादाजी ने नदी नालों को देखा, हमारे पिताजी ने बावड़ियों को देखा, हमने नल को देखा, हमारे बच्चे बोतल देख रहे हैं और कल क्या होगा, ये एक हकीकत। और दूसरा व्हाट्सएप था कि कल ग्राउंड वाटर में, आजकल जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ, उसके वजह से ग्राउंड वाटर लेवल बहुत खराब हो गया, उसमें क्लोराइड, एरेसिक, मर्क्यूरी, यूरेनियम ऐसे जो केमिकल्स के वजह से पानी की क्वालिटी आदमी के यूज करने लायक नहीं रही। तो मैसूर में जो 800 स्टूडेंट्स है मैसूर यूनिवर्सिटी में, उनका जो ग्राउंड लेवल वाटर है उसमें यूरेनियम होने की वजह से 8-8 दिन के बाद बच्चों को नहाने को मिलता है। तो ये आज की पोजीशन है 4 अप्रैल 2019 की। तो हमें पानी के बारे में बहुत सतर्क रहना होगा, क्योंकि कम से कम सिर्फ भारत में, हिंदुस्तान में 2 लाख लोग कंटेमिनेटेड वाटर पीने की वजह से साल में डेथ होती है। 2030 तक सिर्फ 50% लोगों को अगर हम लोग पानी के तरफ ख्याल नहीं दिया तो पानी मिलेगा, और 2050 तक हमारी जो पॉपुलेशन आज 125 करोड़ है वो 160 करोड़ होने जा रही है। तो हमारे सामने हम जिसकी तरफ ख्याल नहीं दे रहे, लेकिन ये अलार्मिंग सिचुएशन ऑलरेडी बनी हुई है। इस वजह से हम सबको एक मकसद बनाना चाहिए, सेव द वाटर, सेव द लाइफ। तो थैंक्स, और आप सबको पुनः एक बार किशोर खाबिया जैन का नमस्कार। मेरा एक ही मकसद है कि जो भी अच्छी चीजें मेरे पास आवे मैं आप तक पहुंचाऊं। तो मैं आपको एक निवेदन करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग अगर हमारे YouTube चैनल से जुड़ेंगे तो मुझे और भी अच्छी अच्छी चीजें आपके साथ शेयर कर सकता हूं। जय हिंद।